रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर बेकदर हाँ बेकदर तू बेकदर हाँ बेकदर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सर मैं इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? मियाँ बीवी को कभी कभी रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर लेने चाहिए। आपको पता है ना जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं ना मुझे छोड़ के, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। मुझे लगता है जैसे जैसे मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही है। बहुत जल्द मैं यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फिर हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा। आपके साथ में ही मेरी खुशी। और मेरी खुशी इसमें तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराता दी। This is for you. Thank you. अरे ओ कोमल, एक कहां मर गई? अभी तक सो रही हो क्या? जल्दी से आओ कोमल। आई अम्मी। बाप का घर नहीं, मेरे बेटे की कमाई है जो यूं जलाती फिर रही हो। अम्मी बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा तो सास हूं मैं तुम्हारी, बस सास ही रहने दो और कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। अरे हर वक्त बहाने बनाती रहती हो। चलो सही तरह से रोटियां बनाओ। काम चोर कहीं की। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, मुझे उस घर में नहीं जाना। कहाँ शादी कर दी आपने मेरी, जीना हराम करके रख दिया, एक पल भी सुकून को नहीं मिलता। तो अब क्या कर दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने जो तुम सामान उठाकर आ गई? आमिर कभी सीधा नहीं हो सकता। नौकरानी बनाकर रख दिया पूरे घर के लिए उसने मुझे। जब देखो अपनी माजू और माँ की खिदमतें करवाता रहता है और आखिर में कहता है तुम मेरी माँ का ख्याल ही नहीं रखती। इसीलिए वो लड़का मुझे एक आंख नहीं पाता है। तो क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का, सारे घर के काम करवाता रहा होगा। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सवेरा? न क्या जानना चाहती हो कि मेरी बेटी किस हाल में है? बहुत दुखी है और तुम इसके दुख सुन के बहुत खुश होगी ना? तमाशा देखना चाहती है ये मेरा? नहीं सवेरा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा बस ज्यादा बातें मत बनाओ, जाकर ना नीलम को उठाओ। नीलम अभी तक सो रही है? अरे 12 बजे से पहले वो उठती कहाँ है? आपने भी ना भाई की जिद मानकर गलती की, नीलम की जगह कोमल को बहू बना कर ली आई।
मेरी पसंद और मर्जी के खिलाफ शादी की उसने, वरना मैं तो नीलम के हक में हूँ आज भी। और जब तक इन दोनों को मैं अलग नहीं करूंगी ना, मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। नीलम, नीलम उठो। क्या है, क्यों नींद खराब कर रही हो मेरी? वो सवेरा आई है, कह रही है नीलम को उठा दो। वो तो आती रहती है, कह दो थोड़ी देर में आ रही है, उसे सोना है। अच्छा सुनो, मेरा नाश्ता बना लिया? नहीं। क्या मतलब नहीं? कितनी बार कहा है मेरे उठने से पहले बना लिया करो, समझ नहीं आती। खुद क्यों नहीं बना लेती नाश्ता? मेरी हालत ऐसी थोड़ी है कि... बस बस, सुबह सुबह मत सुनाओ अपने दुखड़े, जाओ नाश्ता बनाओ, आ रही हूं मैं थोड़ी देर। कोमल, ये क्या तुमने अपना हुलिया बिगाड़ कर रखा है? बस ऐसे ही। अपने आप को बना सवार कर रखा करो, समझी तुम? किसके लिए बना सवार के रखूं मैं? मुझे देखने वाला तो मुझसे कोसों दूर है। कोसों दूर नहीं है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नजरों के सामने। ये प्यार भरी बातें मुझसे आके करे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। वो नहीं, बस किचन में काम करते वक्त हाथ जल गया था। देखो, तुम्हें अब ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए, तुम क्यों अपना ख्याल नहीं रखती हो? कोमल का ख्याल रखने वाला कोमल के पास आ क्यों नहीं जाता? अच्छा अच्छा, आ जाऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। क्या हुआ कोमल? तकलीफ हो रही है। आपको शायद बेबी हेलो कह रहा है। मैं भी उसे लोरी सुनाऊंगी ना तो सुकून आ जाएगा। यार वाह कोमल, कितना खूबसूरत गाया है तुमने। अम्मी आप? अरे सरमत बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? तुमने नीलम को नाश्ता दिया? नहीं, मैं बनाती हूँ। जाओ जाकर उसको नाश्ता दो। और सुनाओ सरमत बेटा, तुम कैसे हो? अम्मी मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रही थी कि कोमल का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। आई होप ऐसा हो रहा हो। अरे बेटा, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, बस तुम कोई फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मुझे पता है अम्मी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोमल ने अपना हाथ भी चला लिया है। क्या, इसका हाथ चल गया? अरे इसने मुझे बताया ही नहीं, कमाल है। बेटा मैंने तो इसे कितनी बार कहा है कि काम मत किया करो, मगर ये तो सुनती नहीं है मेरी, मानती नहीं है मेरी बात। तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की को छेड़े हो? नहीं।
तुम दोनों दो होकर भी इस एक लड़के से डर रही हो। अगर तुम लोग चाहती हो कि आइंदा ये तुम लोगों को तंग ना करे तो इसे अभी समय सिखाओ। चलो मारो। कुछ देर पहले मेरी समझ से एक बात हो रही थी, अगर तुम होती तो तुम्हारी भी बात करवा देती मैं। अब इन बातों का क्या फायदा खाला, सरमत मेरा नहीं कोमल का शोहर है। वैसे बेटी से बढ़कर भांजी को प्यार किया है मैंने। यही तो वजह है कि मैं अपने भाई का घर छोड़कर यहाँ आपके पास रहती हूँ, ये सब बर्दाश्त करती हूँ, वरना सरमत ने तो मुझे कभी अपना नहीं समझा। क्या कह रही हो, पता है सरमत तो खुद फोन पर तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था, कह रहा था कि कैसी है वो, हमारे घर में उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। तकलीफ? सरमत ने कोमल से शादी करके मुझे तकलीफ दी है और आपको भी। अरे उस तकलीफ का इलाज तो मैं करूंगी, देखती रहना तुम। नीलम तुम्हारा नाश्ता लगा दिया है। अब लगाया? मैंने कितनी देर पहले कहा था। सॉरी वो सरमत का फोन आ गया था तो। अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ जाकर काम करो अपना। नहीं वो फोन दे दे मेरा। हाँ ठीक है ले लो, वैसे भी मेरे बेटे ने तो तुम्हें लेकर दिया है, तुम्हारा फोन क्या है मेरा ही हुआ ना। और सुनो सरमत से ना जरा कम ही बात किया करो, अरे इतनी दूर बैठा है बेचारा, काम में हरज होता है। ठीक है एक बात करनी थी आपसे। क्या बात है? कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगा। अच्छा तो इस घर के काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ ने जहेज में कौन सी नौकरानियां दी थी जो इस घर के काम करेंगी? कोई जरूरत नहीं है जाने की, जा जाकर किचन का काम करो। हाला आपने अपने फैसले का क्या सोचा? कौन सा फैसला? हाला कोमल की होने वाली औलाद। चुप कर जा नीलम, दीवारों के भी कान होते हैं, मैं कर रही हूँ ना बस। तुम्हें महीने हो गए अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया। क्या मतलब कुछ नहीं किया? तुमने देखा नहीं कोमल की क्या हालत हो गई है घर के काम कर करके। हाँ मगर मुझे लग रहा है बहुत देर हो गई है, कुछ और करना पड़ेगा। आप समझ रही है ना मेरी बात? फिक्र ही मत करो, इसकी औलाद तो दुनिया में आने से पहले 100 बार सोचेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोमल बेटी से तो बात हुई, खैर खबर उसकी? अभी पिछले हफ्ते तो फोन आया था, ठीक है माशाल्लाह से खैरियत से। अरे भाई तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं जा सकता, वरना खुद जाके मिला था उस समय। बेटियां ससुराल में रहे तो बेहतर है, अब खैर से बच्चे की पैदाइश पे चलेंगे हम लोग, अब बार बार ससुराल जाना अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ लेकिन मैं तो ये। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आ गई। नहीं आ गई आपकी दूसरी वाली भी, जब इसकी शादी होगी ना इसको भी भूलना पड़ेगा आपको। अरे प्लीज ये बेटिया पराए घर जाकर पराए हो जाने वाली बात ना आप मुझसे मत करें। भाई ऐसे ही तो है ना, माँ बाप बेटी को पालते इसलिए दूसरों की खिदमत करें। आपकी इसी बात की वजह से ना कोमल आप ही कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक कह रही है ये फरजाना, बेटियों को बहादुर होना चाहिए मारो की तरह। बाबा ये हुई ना बात, अब इसी बात पे मैं आपकी आप इसे बात कर रहा हूं। अरे नहीं 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 भाई, पता है ना उसकी सास कितनी शक्की है। ये क्या बात हुई अम्मी, कोमल आप ही का हमसे भी तो कोई रिश्ता है ना भाई, और ये घर आप ही का भी है, सास शक्की हो हम क्या करें। अरे मैंने कहा ना बेटी का ससुराल ही उसका घर होता है, बार बार हम फोन करेंगे ना तो पता नहीं वो कोमल को क्या क्या सुनाने लग जाएगी। और हाँ आते जाते महल्ले के मसाइल में ना जरा कम बोला करो, महल्ले वाले शिकायतें करने लग गए हैं तुम्हारी, खैर से तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है अब तो। सॉरी अम्मी जहाँ गलत होगा वहां मैं बोलूंगी, आपकी बातों में आकर ना मैं आप ही जैसी नहीं हो सकती जो चुपचाप अपने ससुराल की बातें सुनती रहती है। कोई मुझे सुनाएगा ना एक आगे से दो सुनेगा वो। बिल्कुल सही कहा। अरे वाह ये देखें आप दोनों का फोन रंग लिया, आप ही का फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आप ही की बातें हो रही थी।
कैसी आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग मुझे याद कर रहे थे। क्यों नहीं? अच्छा ये बताए ना, समय भाई कब आ रहे हैं कराची? मुझे फोन दो। हेलो कोमल, कैसी हो बेटी? मम्मी वो, अरे हमसे तो बात करा उसकी। जी हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चे। अरे कहाँ, हाँ बात तो कराओ। हाँ कमाल है, किस तरह आई तो? अरे एक तो सिग्नल नहीं आते, हमारी बात करा दो। मैं करा दूंगी बाबा। अच्छा मेरा बेटा, कैसा गुजरा आपका दिन? हेलो मम्मी। बेटा ये क्या रोना धोना मचाया हुआ है, हिम्मत से काम लो। मम्मी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यहाँ पे। आलिया आंटी ने तो मुझ पे पाबंदी लगा दी है कि मैं सरमत से भी बात नहीं कर सकती, आपके पास आने के लिए भी मना कर दिया है। मैं क्या करूं? तो तुम कुछ बोला करो ना। मैंने तो नहीं कहा ना कि चुपचाप तमाशा देखो। कहा सुना तो हर जगह होता है। मैं सरमत के आने तक यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं बस आ रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? अपना घर बसाने की सोचो। तुम्हारे बाबा का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और तुम्हारी औलाद हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। मम्मी मैं ज़हनी अज़ियत का क्या करूं? मैं बेटा हिम्मत से काम लो और अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह उतना ही आजमाता है जितना इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी है। मैं क्या कर सकती हूँ? अल्लाह को याद करो, उस पर भरोसा करो। और हाँ मैं खुद चक्कर लगाऊंगी ना तुम्हारी तरफ। ऐसी हालत में औरत को जरूरत होती है अपनी माँ की, एटलीस्ट उन्हें बुला के पूछ ले उनको क्या तकलीफ है। बेटी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब भी लड़ाई हो मैके वाले अपनी बेटी के ससुराल चले जाए या उसको बुला के घर ले आए अपने। तुम ये बातें नहीं समझो। हेलो सरमत, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, खैरियत तो है। इस हफ्ते तुम्हारी चौथी कॉल है। आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं आपकी खैरियत पूछूं? और कौन सा मैं रोज रोज कॉल करती हूँ, और आपको शिकायत है तो फिर मैं रखती हूँ। अच्छा अच्छा नाराज क्यों हो रही हो? मुझे तो अच्छा लगता है घर से कोई भी कॉल करे। झूठ, आप तो बड़े जाके बदल गए। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, कोमल का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करो, उसे हेल्प की जरूरत होती है। आप फिक्र ना करें, उसका मैं ख्याल रख रही हूँ, बल्कि उसके सारे काम मैं ही करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स। अच्छा सुनो, ऑफिस में काम बहुत है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेरे परवरदिगार, मुझसे ये सब जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं हो रही है। तू मेरे दिल का हाल जानता है, बस मेरे शौहर को मेरे करीब कर दे, मेरे शौहर को मेरे करीब कर दे। स्कूल के वक्त से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ऐसा कोई खामी नहीं है सिवाय एक की। वो क्या? वो ये कि तुम्हें बहुत जज्बाती हो मारो, क्यों दूसरों के मामले में बोल जाते। अब चले 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 चले। अच्छा प्लीज क्या कर रही हो? किसने कहा साफ़ है? चलो उठो। क्या करे कीकू बेटा, कमजोर के सामने हाथ उठाने से पहले ये सोच लिया करो कि तुम भी किसी के सामने कमजोर हो। अगर उस रब का हाथ उठ गया ना तो सहारा भी नहीं मिलेगा, याद रख।
सॉरी। काम करो, आप ये पैसे लो और जाके कुछ खा लो। चल चल चल। So, ये था तुम्हारे सवालों का जवाब। यासिर, जिसे तुम मेरी कमी कह रहे हो ना, ये एक बात तो मुझे मुकम्मल करती है। जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां मुझे दूसरों की मदद करके सुकून मिलता है। मारुख, इसीलिए तो मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। जहां कोई भी किसी की मदद के लिए नहीं पहुंचता, वहां तुम फौरन से पहुंच जाती हो। देखो, मैं किसी के साथ इस तरह जुल्म होते हुए नहीं देख सकती, ऐसी ही हूं मैं। इसीलिए तुम मुझे पसंद। और मेरी मंगेतर भी। थैंक यू। अब चले? हाँ हाँ, चलो। क्या हुआ कोमल, तुम रो रही थी क्या? नहीं, बस वो बास पड़ी थी तो आंखें नम हो गई। पता है सरमत, मैं कुछ देर पहले आप ही को याद कर रही थी। वाह, ये तो मैजिक हो गया। सरमत, मैं कुछ आपको बताना चाह रही थी जिससे आप बेखबर हैं। अच्छा, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है, चले पहले आप बताएं। तो सुनिए बेगम साहिबा, मैं आपके पास चंद दिनों के लिए रहने आ रहा हूँ। क्या क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? सरमत, वादा करें आप आ रहे हैं ना? 100%। और हाँ, मैं कल ही आ रहा हूँ। अच्छा चलो, अब तुम मुझे बताओ तुम क्या कहना चाह रही थी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। अब जब आएंगे ना तो मैं आपको सामने बैठ के बताऊंगी। आपको पता है सरमत, मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं आपसे लड़ूंगी, नाराज होंगी, गुस्सा करूंगी, लेकिन जब आपसे बात होती है ना तो सब भूल जाती हूँ। सरमत, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप आ रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। हैरत हो रही है कि आने से पहले उसने मुझे बताया क्यों। सरमत ने ऐसा कुछ मुझे भी नहीं बताया था। तय, सरमत के आने की खबर कोमल को पहले ही पता थी। खूनी है बहुत। अम्मी, आप जरा भाई को फोन तो करें, उससे पूछे तो सही कि उसने आने से पहले बताया क्यों नहीं आप। अरे उससे पूछना कौन सा मुश्किल काम है। मुश्किल तो ये है, ये जो रुकावट बनी बैठी है ना, इसे कैसे हटाया जाए। खाला, ये सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। सरमत आ गया ना तो हाथ से निकल जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही है। तुम क्या समझी थी? हाँ, तुम अपनी माँ को आवाज दोगी और मैं नहीं आऊंगी? नहीं, मैं बता नहीं सकती ना आपको देखकर कितना खुश हूं। बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हाँ, लगता है कई दिनों से बीमार रही हो। ये तो रंग तो देखो, ये सब पीला जर्द हो गया मेरी बेटी का। अरे फरजाना बेगम, अरे आप कब आई? चुपचाप ही आ गई, हमें तो कानो कान खबर तक ना हुई। नहीं, अभी अभी आई। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। आलिया, आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा ना मनाए तो। भाई, अगर बुरा मनाने वाली बात होगी तो बुरा तो जरूर मनाऊंगी मैं। खैर, आप कहें, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए ना, मेरी बेटी की हालत आपके सामने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसका ख्याल रखिएगा। आखिरकार ये आपके घर की बहू है ना। हाय अल्लाह फरजाना बेगम, आप तो ऐसे शिकायत कर रही हैं जैसे आपकी बेटी पर बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे मैंने। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। बस बस, मतलब मैं सब समझ रही हूँ। नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कोमल को अभी आराम की जरूरत है। ये हमारे घर की बहू है और हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने इसका किस तरह ख्याल रखना है। अरे कमाल है, रोज हर दूसरे तीसरे दिन मुंह उठा के चले आते या फिर फोन आ जाते। अरे मेरी भी बेटी है, मैंने भी बेआई है, पर मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया।
सॉरी अम्मी। नहीं बेटा, जब कोई बात समझना ना चाहे तो खामोश रहना बेहतर है। अम्मी मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ बेटा। शर्मदार है। शर्मदार? जी ये तो बहुत खुशी की बात है। अब देखना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना? हाँ सब ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गई है नीलम? इतनी देर लगा दी इसने। आगे हो गया काम? काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। ओ कोबर का आपके कमरे में। अच्छा तो मैं काम तो सारा तसल्ली से किया ना, उसे कुछ मेहनत तो नहीं पड़ गई? खाला उसे कुछ नहीं पता है, आप जल्दी से जाएं अपना काम करें। अच्छा ठीक है। वो ऊपर ही है ना? जी जी। माँ चली गई तुम्हारी? जी अम्मी। वैसे अपनी माँ से ना मेरी शिकायतें जरा कम किया करो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। और ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? मेहंदी? अरे वाह महारानी साहिबा, यहाँ मेहंदियाँ लग रही हैं और वहाँ किचन में सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े हैं, वो कौन धोएगा? नहीं वो शर्मद आ रहा है ना, तो मैं सुबह जल्दी उठ के सारे बर्तन धो दूँगी। अरे कोई जरूरत नहीं अभी, है कोई से और जाकर ना बर्तन धो। चलो। अरे चलो ना जाओ। बनाओ सिंघार ही खत्म नहीं होते। कोमल किसी परेशानी में, मैं उससे मिल के आता हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? पानी वानी ला दूँ आपको? नहीं वो कोमल को मुश्किल में, मैं जाता हूँ उससे मिल के आता हूँ। क्या हो गया आपको? इतनी रात के कोमल के घर जा रहे, क्या कहेंगे उसके ससुराल वाले? लेकिन मगर ख्वाब देखा होगा। सोजे सोजे आराम से, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। अब तो तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। बच्चे की जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? इनको होश में आना बहुत जरूरी है, आप इन्हें फौरन अस्पताल ले जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सरमत बेटा, कहाँ रह गए? तुम तो आज वापस आ रहे थे ना? अम्मी मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा दी है, मैं आज नहीं आ सकता, यहाँ पे ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम आ गया है। अच्छा ठीक है, वो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अच्छा कोमल कहाँ है? उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, मेरे से बात नहीं हो पा रही। हाँ वो तो अपने कमरे में पड़ी हुई सो रही है, जब उठेगी ना तो मैं उसे कहूँगी कि तुम्हें फ़ोन कर लें। चलें ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर बताता हूँ आपको कब आ रहा हूँ, और कोमल से कहिएगा कि मुझे फ़ोन कर लें। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अपना बस काम करो। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना। खुदा हुआ। खाला क्या कहा? ये अच्छी खबर ये है कि वो नहीं आ रहा। कौन नहीं आ रहा? सरमत और कौन?
ऐसे कोई काम पड़ गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो बहुत अच्छा हो गया खाला, इसका मतलब है किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, वो कोमल को फोन करके खैरियत तो मालूम कर लो। क्या सुबह फोन करती हुई अच्छी लगूंगी क्या? रात को अलग आपने अपनी नींद खराब की और सुबह सुबह बहस लेकर बैठ गए। मैं बहस नहीं कर रहा, अपनी बच्ची की खैरियत मालूम करनी है ना। अम्मी बाबा क्यों लड़ रहे हैं सुबह सुबह? खुद ही इनसे पूछो, कल से मेरा दिमाग खा गया। कोमल कोमल कोमल, मैं क्या करूं? देखो जरा कैसे ताने दे रही है तुम्हारी माँ। अरे मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपनी बेटी की खैरियत मालूम कर लूं? उस दिन चली गई अकेले मिलने और मेरी सिर्फ फोन पे बात कराई। माना कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इतनी खराब नहीं है कि मैं जाके मिल नहीं सकता उससे। चला जाऊंगा माँ। मेरे प्यारे बाबा जान, आप इस तरह बच्चों की तरह जिद करेंगे तो अम्मी भी बच्चों की तरह जवाब देंगी ना आपको। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी बात कराती हूँ कोमल आपसे। अरे देखा, लेकिन सरमद भाई आप इसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप फिक्र मत करें। एक काम करती हूँ, यूनिवर्सिटी से आकर ना शाम में मिलके आती हूँ आप इसे, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा ऐसा करना, मुझे भी साथ ले जाना ना, मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। बाप आप फिर बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा। अच्छा ना मैं जा रही हूँ ना कॉलेज, आप ही को देखती हुई आऊंगी। प्रॉमिस स्माइल करें। अच्छी सी अभी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ए तो उस वक्त एहतियात से काम लेना था ना, नजर नहीं आया था तुम्हें? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो सारा इल्जाम तो हम पर ही आना था ना। पता नहीं कैसे गिर गई मैं, फर्श पे कुछ था उस वक्त। हाँ तुम्हारी तो आंखें ही फूट गई थी ना बेटा, जो तुम्हें नजर नहीं आया और तुम गिर गई। अभी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। हाँ हाँ करती हूँ कुछ। अब तुम्हें कुछ हो गया तो सरमत को क्या जवाब दूंगी, और ऊपर से तुम्हारे मैके वाले वो भी जान को आ जाएंगे मेरी। नीलम इसे ना हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, कमर में दर्द हो रही है, मैं नहीं जा सकती। अरे मेरा मुंह खड़ी क्या देख रही हो? खाला मैं कैसे ले जाऊं? अरे गोद में थोड़ी उठा के लेके जाना है, एम्बुलेंस मंगवाओ उसमें लेके जाओ और सवेरा को साथ ले जाना। खाला सच में हॉस्पिटल ले जाऊं? अरे हाँ ना, अगर खुदा ना खासा मर गई तो क्या करेंगे हम? अरे क्यों खड़ी हो, उठाओ उसे, चलो लेके चलो इसे। नहीं आप लोग जाए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है आ जाना खुद ही, फिर जल्दी से चलो। हे तुम यहाँ कोमल के साथ नहीं गई? मैंने सवेरा को भेज दिया, मुझे बहुत डर लग रहा था। क्या करती हो नीलम, कहीं तुम्हारा यह डर हमें डबो ना दे। से खाला आपने मुझे उसके सामने डांट कर अच्छा नहीं किया। करना पड़ता है ताकि उसको शक ना हो। मगर आपने उसे हॉस्पिटल क्यों भेजा? हमारा प्लान तो जरूरी था, बहुत जरूरी। कल कला को ये बात खुलती कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो सारा इल्जाम तो हम पर आना था ना। मगर डॉक्टर ने कहा था अगर उसे हॉस्पिटल ले गए तो बच्चा बच भी सकता है। नहीं बचेगा, देख लेना। और अभी देखना थोड़ी देर में ना सवेरा का भी फोन आएगा और वो भी यही बात करेगी। पता नहीं ना करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। मैं
सरमत के आने तक यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं बस आ रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? अपना घर बसाने की सोचो, और तुम्हारी औलाद हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। कहाँ रह गई थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मम्मी रास्ते में थी इसलिए। सब बातें छोड़ो, ये बता कोमल कहाँ है? वो तो अपने कमरे में चली गई है। कमरे में चली गई? और बच्चा, बच्चे का क्या हुआ? वो तो ठीक है, और डॉक्टर ने कोमल को आराम के लिए कहा है, अब वो काफी बेहतर है। क्या बेहतर है? और एक और बात, डॉक्टर पूछ रही थी कि फर्श पर तेल कैसे गिर गया। क्या सारे के किराए पर पानी फिर गया हमारे। बस करो मैडम, अब उठ जाओ। क्या हुआ, सरमद आ गए? नहीं आ रहा है वो। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि वो आज आ जाएंगे। अरे उसे वहाँ कोई काम पड़ गया है इसलिए नहीं आ रहा है। और मेरी बात सुनो, तुम भी ना उसे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो। अब अगर तुम्हारी ड्रामे बाजियां खत्म हो गई हो बीबी, तो उठकर जरा काम कर लो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये नीलम से पूछे कि किचन में क्या गिराया था उसने। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? वो कोई तुम्हारी दुश्मन है जो जानबूझकर गिराएगी? अरे काम करते हुए गिर गया होगा। और बीबी मेरी बात सुनो, अब हमारे सामने ना ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो, अब चलो उठो और उठकर ना काम करो अपना। अम्मी उसमें हिम्मत नहीं है, मुझसे काम नहीं होगा। अरे हिम्मत तो बड़ी है तुम्हें, अपने बच्चे को मौत के मुंह से वापस ले आई। कैसी बातें कर रही है? चलो उठो, कपड़े दो। अम्मी छोड़े, मैं आती हूँ। अम्मी मेरे हाथ में तकलीफ हो रही है।